वाराणसी का इवनिंग नाइट व्यू देखिए, रस देखिए वाराणसी। वाराणसी शहर के भीड़ ये वो भीड़ है जो गंगा आरती दशाओं में घाट पे लेके आई है। सभी लोग जो हैं वहाँ की भीड़ है ये ये सामने बोर्ड देखेंगे आप, काल भैरव मंदिर, वेणाविंद विश्वनाथ मंदिर दशाओं में घाट, ये दूरी दिखाई हुई है इन्होंने। ये चौराहा है वो दावली चौराहा, खाओ खाइए गोलगप्पे खाइए गोदावली चौराहे पे, रेट पूछ लेना इसके। ये आइसक्रीम है ले लो, ठीक है मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ नहीं आऊँगा नहीं। अरे तुम, ये पुलिस सहायता केंद्र है यहाँ पे, स्मार्ट सिटी वाराणसी। एंट्री गेट है ये, पुलिस सहायता केंद्र है, रोशनी की वजह से ना सामने नहीं आ रहा। ये पुलिस कर्मी है यहाँ पे चौराहे पे, कोई यात्री अपना रास्ता ना भटक जाए उनकी सहायता के लिए। ये माइक से अनाउंसमेंट हो रहा है, कोई गुम हो जाता है या वो ये देखें, यहाँ से दूरी, यहाँ से विश्वनाथ मंदिर की दूरी लिखी हुई है। यात्रा मैदागिन 1.4 किलोमीटर का, भैरव मंदिर 1.7, दस आश्रम में घाट 3.5, विश्वनाथ मंदिर 400 मीटर पर है, दस आश्रम घाट 800 मीटर, रथ यात्रा 2.5 किलोमीटर, घोड़ा घाट 3.5 किलोमीटर। बहुत अच्छा सीन है, ये पुलिसकर्मी है मदद के लिए यहाँ पे रहते हैं, किसी के साथ कोई दुर्घटना घटना। अब मैं चौराहे के पास हूँ, चौराहे से जो है सभी रोडों का सीन मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्योंकि आप स्वच्छता चाहते हो, आजकल तो साफ सफाई है। वाराणसी बनारस हम गोदावली चौराहा, बहुत अच्छा व्यू है, बड़ी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है यहाँ, लेकिन लाइट की उल्टी लाइट लग रही है। यहाँ पे पुलिसकर्मी जो है, यहाँ से 4 रोड अलग अलग जाता है चौराहे से, आवाज इतनी साफ नहीं आएगी, भीड़ ज्यादा है।
यहाँ पे जालान एम्पैक्ट। हाँ, आप देखेंगे उत्कल कैंसिल कार्यालय बड़े बड़े होर्डिंग से लिखा हुआ और बहुत ही काशी विश्वनाथ रोड है जो मंदिर कमजोर की तरफ से आज के लिए बनाया गया है। पूजन कई तरह की प्रक्रियाएं हैं, कई बार दर्शन करने के लिए कई ऐसी आरती है जिनमें शामिल होना है, अगर तो आप टिकट पास ले सकते हैं। अभी शाम के 7:30 बजे ये दशाश्वमेध घाट आरती देख करके लोग जो हैं वापिस आ रहे हैं। और तुलसी की पत्ती और अदरक वाली बना करके मुँह बना देते हैं, ये बड़ा जो ये सब इसे बड़ा आराम क्या करेंगे आप बगल में। जय हो काल भैरव बाबा, यहाँ से नॉन वेज नहीं मिलता। जय हो श्री काशी विश्वनाथ। मिलेंगे नॉन वेज मिलेंगे नहीं मिलेंगे वेज मिलेंगे। तो यहाँ पर भैरव बाबा यहाँ के देश को पाओ क्या क्या मिलता है। अगर आपको पुलिस की गाड़ियाँ सुरक्षा के लिए सहायता के लिए यहाँ पे लोग रास्ता ना भटके उनकी सहायता के लिए पुलिस कर्मी बहुत अच्छी व्यवस्था बहुत शानदार व्यवस्था योगी राज में बहुत शानदार व्यवस्था मोदी जी के राज्य में।